के पुलिस में हमने दो तीन नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं। एक तो टुडेज पब्लिक पुलिस ऑफिसर का कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि जो RWA है हमारी, RWA बड़ी सक्रिय है यहाँ की, और छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं, पड़ोसियों के बीच के इश्यूज़ होते हैं, पार्किंग को लेकर के इश्यूज़ होते हैं, तो टुडेज पब्लिक पुलिस ऑफिसर में RWA के जो हमारे सम्मानित रेसिडेंट्स हैं, उनमें से कोई एक रेसिडेंट डेली हमारे पुलिस स्टेशन में यहाँ पे बैठते हैं, हमारी पुलिस टीम भी साथ रहती है, और अगर इस तरीके के जो छोटे इश्यूज़ आते हैं उनका रेजोल्यूशन हम लोकल लेवल पे ही कर लेते हैं। तो इसकी वजह से हमने देखा है कि पिछले कई दिनों में जो छोटे इश्यूज़ कई बार बड़े बन करके और मारपीट झगड़े में तब्दील होने की जिनकी पोटेंशियल रहती है, उसको हम थाने लेवल पे बड़े अच्छे से दोनों पार्टीज़ के बीच में बात करके समझौता करवा लेते हैं, और उस तरीके की नौबत नहीं आती है। तो समाज में एक तरीके से सौहार्द बना रहता है और क्राइम या क्राइम की पॉसिबिलिटी जो है नहीं रहती है। इस लाइब्रेरी से जो स्टूडेंट हैं कौन सी इसके लिए तैयारी करेंगे? ये इनिशियली जब ये आइडिया शुरू हुआ था तो दिल्ली पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी के तौर पे हमने बनाने का कॉन्सेप्ट शुरू किया था, जो कि दिल्ली के अलग अलग थानों में कई जगहों पे दिल्ली पुलिस पब्लिक लाइब्रेरी है। और इनिशियली तो ये आइडिया नहीं था कि हम इसको इस लेवल तक ले जाएंगे, पर सब्सिक्वेंटली जब लाइब्रेरी इतनी अच्छी बन गई तो उसके बाद हमने सोचा कि जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जो बच्चे ऐसे प्रतिभावान हैं पर उनके पास उतना सामर्थ्य नहीं होता कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अफोर्ड कर सकें, क्यों ना हम उनके लिए एक ऐसा प्रोविज़न क्रिएट करें इस लाइब्रेरी में कि उनको एक स्पेस मिले और इस तरीके के बच्चे आगे बढ़ सकें और समाज में एक सकारात्मक रूप से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें। तो इसी के मद्देनज़र हमने कुछ लोगों से बात की, हमारे साथ उत्कर्ष की जो संचालक हैं, स्थापक हैं, वो हैं, इन्होंने बड़े ग्रेशियस तरीके से हमें अपना सपोर्ट प्रदान किया, और अलग अलग तरीके के कोर्सेज ये ऑपरेट करते हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं, करीब 100 के आसपास बच्चों ने एनरोल किया है, इनकी जो भी रुचि है या जिस तरफ भी ये अप्लाई करना चाहते हैं, बेसिकली वो कोचिंग की फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं। ये पुलिस स्टेशन में किसी भी वक्त आ सकते हैं, लाइब्रेरी का उपयोग किसी भी वक्त कर सकते हैं, और एक किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करके ये यहाँ से इसको क्रैक करने की कोशिश कर सकते हैं। साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, देखिए साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के यूथ को ही नहीं बल्कि यूथ इन जनरल को ही मैं ये कहना चाहती हूँ कि यूथ जो है देश की आधारशिला है, एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। तो अगर यूथ का जो एनर्जी है वो पॉजिटिवली हम चैनलाइज करें और यूथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, देश के प्रति जो अपनी जिम्मेवारी है उसको अच्छे से समझे और अपना एक सकारात्मक रूप से अपने आप को तैयार करे, तो वो देश की मजबूत देश को और मजबूती प्रदान करेगा और देश की नींव को बहुत स्ट्रेंथन करेगा। अच्छा मैम, यहाँ के देखिए पुलिस पब्लिक से हटके तो है नहीं, वी आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वी आर अ पार्ट ऑफ द पीपल, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन अस पावर्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। जो IPC बनी है, जो कानून बना है, कानून लोगों के लिए ही बना है, और उस कानून की रक्षा करना, उस कानून को अपहोल्ड करना, वो पुलिस की जिम्मेवारी है। तो पब्लिक से जो कनेक्ट है, पब्लिक के साथ जो एक हमारा रास्ता है वो बने रहना चाहिए, उससे पुलिसिंग में और डायनामिज्म आती है और जो समाज की समस्याएं हैं वो खुल करके हमारे सामने आती हैं, उसको हम बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। अच्छा ये रोल मॉडल होगा? देखिए ये एक हमारी छोटी सी पहल है, हम कोशिश करेंगे कि इसको और रेप्लिकेट करें, पर रोल मॉडल है या नहीं वो तो ये बच्चे प्रूव करेंगे आने वाले दिनों में। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर निर्मल गहलोत है और मैं उत्कर्ष क्लासेस का फाउंडर एंड CEO हूँ। सर, पुलिस स्टेशन यहाँ के प्रमाइसिस में इस तरह की सुविधा मिलना कैसा अनुभव है आपका, बच्चों को किस तरह का इसमें? बिल्कुल, तो मैं कहना चाहूँगा कि ये ग्रेटर क्लास के अंदर इस प्रकार का जो नवाचार हुआ है, ये अपने आप में मैं समझाऊँगा पूरे भारत में एक नई पहल है। ग्रेटर क्लास के आसपास में रहने वाले बच्चों के लिए इस प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध होना, और जैसा कि मैम ने कहा कि हम जो ऑनलाइन कोर्सेज जो उपलब्ध कराने वाले हैं, वो हर बेंच पे अलग अलग हमने टैबलेट प्रोवाइड कराया है बच्चों को। तो क्योंकि दो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, दो बच्चे JEE की तैयारी कर रहे हैं, कोई CUT का कर रहा है, कोई NDA का कर रहा है, तो इनके लिए यहाँ पे अलग अलग क्लासेज नहीं पॉसिबल थी। लेकिन आफ्टर कोविड आपने देखा होगा, ड्यूरिंग कोविड भी ऑनलाइन क्लासेज का बहुत चलन बढ़ा। तो ऑनलाइन क्लासेज कई बच्चों के पास में हो सकता है एंड्रॉयड फ़ोन नहीं हो या घर बैठे हुए वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो यहाँ पर वो लाइब्रेरी में आएंगे, अपनी खुद की सेल्फ स्टडी भी कर पाएंगे और ऑनलाइन क्लासेस भी यहाँ पढ़ा हुआ टैब जो है
उसमें अपना अपना इंडिविजुअल कोर्स जो भी वो कोर्स करना चाहेंगे वो कर पाएंगे। और इसके साथ ही हम इसमें वीकली टेस्ट भी रखने वाले हैं। तो ये जो बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ के लोकल RWA ने इतनी बड़ी फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड कराई है और साथ में जो हमने टैबलेट और प्रोवाइड कराए हैं, तो निश्चित रूप से अगर बच्चे कंटिन्यू स्टडी करेंगे तो आने वाले दिनों में आप इन बच्चों का इंटरव्यू लेते हो यहाँ पे दिखेंगे कि देखिए इन्होंने इन इन एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन पाया। नहीं, हम नहीं कर सकते।